ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। आज मैं गांव में, यहाँ पे देखिए रतालू बहुत लगा हुआ है, जिसको हम भुई आलू भी बोलते हैं। और इस ये किसकी कई सारी किस्म है, तो मेरे पे इसकी एक किस्म थी जो कमर जितनी गहराई में खोदते हैं। और पहले बता दूँ, इसको पहाड़ पे तरुण और इधर नीचे मैदानी में रतालू और MP साइड में गराड़ू बोलते हैं। वैरायटी चेंज हो जाती है थोड़ा डिज़ाइन में, लेकिन ये सब चीज़ें एक ही है। तो इसमें देखिए किस तरीके से इसके फल, इसी को हम इसको ये जो है इसके कन कन क्या बोलेंगे, तने में आते हैं, देखिए ये लटके पड़े, तो इसी को ज़मीन में लगा देते हैं और ये हो जाता है। और यहाँ पे जिस भाई के आया हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ये बहुत सारा लगा हुआ है, ये सब एक तरफ से ये लगे हुए, और ये इस तरीके से बैठता है, फिर इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। ये देखिए गराड़ू भी ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा MP वगैरह गए होंगे तो। और ये इस तरीके से, ये इस खासियत ये है कि ये ज़मीन के नीचे नहीं जाता, ऊपर ऊपर रहता है। देखिए ऊपर ये ज़मीन, ये हम हाथ से चाहे तो यह निकाल सकती है, देखिए रेतीली मिट्टी में, तो ये जो है गहराई में नहीं जाएगा। इस वैरायटी खासियत है, ये 1-2 फुट नीचे रहेगा और आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो मेरे पास है सफ़ेद वाला, वो कमर जितना गड्ढा खोदना पड़ता है। तो ये सफ़ेद और गुलाबी दो रंग में होता है। तो अगर किसी को भी चाहिए, तो इस समय इसके कंद लगाने का उपयुक्त समय है मार्च अप्रैल, और ये बरसात में उगता है, और फिर ये पूरे बरसात में और इस समय तक रहता है। और इस समय भोजन बना के सारा इकट्ठा करके ज़मीन में जड़ में भेज देता है, और इसके बीज भी होते हैं। ये मैं आपको इसका फल दिखा दूँ, ये देखिए, इससे बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन बीज से उगा हुआ काफ़ी टाइम में तैयार होगा, और कभी बीज से हमने उगाया नहीं है। इस बार बीज पकते हैं, तो इससे भी कोशिश करेंगे उगाने की, फिर देखते हैं क्या होता है। और ये हमारा बलवर्धक, वीर्यवर्धक, शक्तिवर्धक आदि है, इसका उपयोग है, और इसकी सब्ज़ी भी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए नेचुरली प्राकृतिक रूप से होता है। इसमें हम रतालू बोलते हैं, मतलब रेता मतलब आलू, तो हो गया रतालू, यानी रेते में उगने वाला आलू, और या लतालू भी बोल सकते हैं। लता है, उसके नीचे आलू है, ऊपर भी आलू है, इसकी भी सब्ज़ी बनती है। कंद है, उसकी भी सब्ज़ी बनती है। तो दोनों तरीके से हमें फ़ायदेमंद है। इसको भी हम उबाल करके, छील करके सब्ज़ी बना सकते हैं, या भून करके इसका भरता बना सकते हैं, ये देखिए, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो जिस तरह हम चाहें उस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। और हमारे इधर बहुत लोग लगाए जाते हैं, हमारे बंगाली समुदाय के जितने भाई लोग हैं, सभी लोग उगाते हैं और लगाते हैं इसे। वैसे बंगला में क्या बोलते हैं? माटी आलू। अच्छा, तो ये भी बहुत किस्म का होता है ना, माटी आलू। मीठे आलू।